जायाधान किये कम कलम कदहे नीच निरंजन नान मऊ हे परमात्मन मे। कर्म कृत भाव भावान अचेतनं द्रव्यं च निश्चयनेन जीवाद्भिन्नं ज्ञानी इति कथयति। कर्मों के द्वारा जो किए हुए भाव हैं वे चेतन नहीं हुआ करते किंतु अचेतन होते हैं। संसारी प्राणी चेतन और अचेतन इन दो द्रव्यों के संबंध के द्वारा बना हुआ जो द्रव्य है या स्थिति है उसमें यह भेद नहीं कर पाता कि यह चेतन का है क्या अचेतन का। और अध्यात्म की भित्ति इसी में है कि वह चेतन स्वभाव कौन सा और अचेतन स्वभाव कौन सा इसकी परख यदि हो जाती है तो फिर अध्यात्म में आनंद ही आनंद। कहीं भी वह रहा आवे किंतु उसका आनंद का स्रोत कभी टूट नहीं सकता। हम लोग शरीर को आपा मान ले तो लगता ऐसा है कि शरीर सुमय। आचार्य कह रहे हैं कि कर्म के द्वारा किए हुए भाव भी चेतन नहीं। कितना सूक्ष्म विषय है कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान जो कि कर्म सापेक्ष माने जाते हैं, राग द्वेष मोह ममता इत्यादि कर्म सापेक्ष माने जाते हैं, कर्म के द्वारा ही ये उत्पन्न होते हैं, ये अचेतन है क्योंकि एक प्रकार से इसमें स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं हुआ करती और इसके साथ साथ शुद्ध चेतना का ही अनुभव नहीं हुआ करता। क्या क्या अपने को छोड़ना है तो छोड़ना ही छोड़ना है, अपने पास कुछ बचता ही नहीं जो देखने योग्य हो कि हमारा और बाकी है। ये कह देना चाहिए जो कुछ भी दिख रहा और अनुभव में आ रहा ये सब हमारा नहीं है, बस छुट्टी। तो क्या है ये मत पूछो, अभी बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है, अपने ऊपर लाद रखा है, छोड़ दो पहले तब आपके लिए टिकट मिलेगा अन्यथा नहीं। चाहे आज खरीदो चाहे कल खरीदो, खरीदना है अपने को और ये त्याग के साथ ही खरीदा जा सकेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया के प्रत्येक कार्य किए जा सकते हैं लेकिन अध्यात्म करने योग्य नहीं है किंतु होने योग्य है। करने योग्य तो त्याग और ग्रहण होता और होने योग्य में हानोपादान उपेक्षा नानस सफलम। हान आदान उपेक्षा ज्ञान का फल है। परीक्षा मुख में लिखा है, सूत्र है, कंटस्थ कर लो मुकाग्र हो जा। हान का अर्थ क्या, पांच पापों की हानि। उपादान का अर्थ क्या है, व्रतों का ग्रहण। उपेक्षा का अर्थ ग्रहण भी नहीं और हानि भी नहीं। एक बार छोड़ दिया पांच पापों को, एक बार संकल्प कर लिया व्रत का, अब क्या करना उपेक्षा। अब कोई हानि में और लाभ में कोई भी भाव नहीं, साम दो टीम होती और एक खेल होता। दो टीम होती एक खेल होता, एक जीतता है एक हारता है। अंपायर प्लीज वह हारता भी नहीं और जीतता भी नहीं है, देखता रहता है कौन सी टीम कहां पर गलती करती है, कौन सी टीम कहां पर ठीक कर रही है। एक एक बाल मात्र एक एक पॉइंट वह रेज करके साइन देता रहता है और बॉल के साथ साथ ही वह यूं जाता, दृष्टि के द्वारा कभी कभी पैरों के द्वारा जाता है। उसके हमेशा बॉल कहां पर टच हो जाती, कहां पर किस कोण से आती, पूरी की पूरी निगरानी रहती है। एक एक इंच में
वह जमा कर अपने पास रखता है। कहां पर गया? कभी कभी वॉलीबॉल जो होता है वह मानो सर्विस चलता हो, उस समय यदि नेट को लग गया तो सर्विस फॉल्ट हो गया, रॉन्ग सर्विस हो गया, दे दीजिए आप उधर को सोर दीजिए। ये पॉइंट, यदि नेट अपने स्पर्श हो जाता है जंप के साथ ड्रॉप मारते समय तो वह अभी गड़बड़ हो गया। यदि हाथ उस दूसरी टीम की ओर चला गया तो गया, और फिंगर्स के माध्यम से यदि मानो बॉल को पास कर देता है गड़बड़। एक नियम होते हैं, इन सबको वह देखता रहता है। तो हानोपादान उपेक्षा, उपेक्षा में ना हान है नहीं आदान है, केवल देखना और जानना होता है। उसका नाम अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ भागा दौड़ी नहीं है। है तीनों हैं, पहले हानि, उसके साथ साथ आदान, फिर इसके उपरांत उपेक्षा, ये भी है। ज्ञान आश्रय, अज्ञान ज्ञान आश्रय, तो साक्षात और असाक्षात ये नहीं बोलते, मतलब की बात मत क्या। इसीलिए तो कहा है उपेक्षा आना बहुत दूर है तुम लोग। वहां पर क्या क्या कहा है बिल्कुल, इसमें क्या बात है। उसी तो कहते हैं कि क्या हानि और क्या आदान और क्या उपेक्षा, तो और क्या साक्षात और क्या असाक्षात। तो ये सब बातें नानस्य फलम उपेक्षा प्राकृत भी है, ज्ञान का फल उपेक्षा। एक ही उपेक्षा नहीं, मतलब वह शुद्ध निषेध का विषय बनता, ज्ञान का फल उपेक्षा मान के। उपेक्षा कब मानी जाती है? जबकि अपेक्षा और ग्रहण, उपेक्षा ये तीसरी क्वालिटी की उपेक्षा है। एक को छोड़ देना ये हानि हो गई, एक को ग्रहण कर लिया ये आदान हो गया, फिर इसके उपरांत उपेक्षा मानी जाती। अब इसमें कोई मतलब नहीं, इसीलिए अध्यात्म एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। इतनी लंबी चौड़ी छलांग है ये, एक प्रकार से बहुत साहस करता है वही ये काम कर सकता है, अन्यथा नहीं। थोड़ी भी कमी कर देता तो उसमें वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तम मह केरा बावड़ा अन्नु अचेय अनुदौ जीव सहा वह भिन्नु जिया सौ। कम केरा भावड़ा, केरा का अर्थ इन्होंने संबंध लिया। भाव जितने भी हैं वे वो सारे के सारे कर्म के साथ संबंध रखने वाले हैं। क्षमता मैंने केरा का मतलब केवल, ऐसा भी हो सकता है कोरा जैसे बोलते हैं उस प्रकार केरा। हाँ संबंध रखते अन्न अचेत, ये सब अचेतन हैं, अन्य हैं और जीव के स्वभाव से बिल्कुल भिन्न हैं, ऐसा तुम हमेशा हमेशा पहचानो। यहां तक नियम सार में कहा है कुंदकुद महोदय ने कि क्षायिक भाव भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए कहना पड़ा कि कर्म की ओर उपयोग चला जाता तो शिथिलता आ जाती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की ओर दृष्टि चली जाती है और पर्याय की ओर दृष्टि चली जाती है। इसलिए जो त्रैकालिक रहता है वह आत्मा का स्वभाव है, बाकी यह स्वभाव नहीं। क्षायिक भाव को भी आत्मा का स्वभाव नहीं कहना, यह कितना साहस है। बिल्कुल ठीक है, क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है,
क्योंकि जो स्वभाव होता है वह त्रैकालिक रहता है और केवल ज्ञान त्रैकालिक रहता नहीं, इसलिए वह हमारा स्वभाव नहीं। स्वभाव नहीं कहने से का अर्थ इतना ही कि ध्यान उस ओर बटे नहीं। द्रव्य का महत्व है क्या पर्याय का महत्व है, गुण का महत्व है क्या पर्याय का महत्व है, पर्याय का महत्व नहीं है, द्रव्य का महत्व है। द्रव्य रहेगा अपने आप इस प्रकार के पर्यायों को पैदा करेगा, वह त्रैकालिक सत्य है, वह स्वभाव है, कभी नहीं छूटता है, वही ठीक है। ऐसा समझो कर्म संबंधी नो रागादि भावः अन्यत् कर्म के संबंध इसीलिए आत्मा में जो कोई भी वैभाव परिणति होती हैं वो फटी हुई चिंदड़ी जैसी हैं, और कुछ ही लोग ऐसे जिन्हें अखंड वस्त्र का लाभ नहीं होता वही लोग उस चिंदड़ी के ऊपर जो है ज्यादा मोह करते हैं, रखते हैं। चिंदड़ी जिस प्रकार पहनने लायक नहीं है और कुछ लोग गुदड़ी बना देते हैं उसके, हैं गुदड़ी बना देते ना, गुदड़ी बना करके दे भी दो, छोटे बच्चे भी उसको पहनना या पहनना कहता हूं ओढ़ना अच्छा नहीं समझते, हैं हैं कसड़ी कसड़ी ठीक है, मतलब गुदड़ी होती है वो अच्छी नहीं मानी है, हमें नहीं चाहिए, हमें चद्दर चाहिए, ठीक है वो क्यों नहीं चाहिए, उसमें तो बहुत छिगला छिगला इतनी 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 लगा लगा करके गरीबी की दोस्त है। ठीक है कहते वो, लेकिन वो उसी प्रकार यह भी है परिणाम शुद्ध अशुद्ध आदि आदि जो हो रहे हैं, सुख दुख आदि जो हो रहे हैं, ये आत्मा में एक प्रकार के विचित्रता लाने वाले, ये आत्मा का स्वभाव नहीं माना जाता। इसकी दृष्टि उन सब को पार करके अखंड एक तत्व धारा प्रवाहित है उस ओर जाना चाहिए। जाती है तो अध्यात्म हासिल हो गया, नहीं है तो फिर गया, एक अलग ही रास्ता है, रास्ता बनाना पड़ता है और वह बिरले को ही हाथ लगता है। प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं होती, इतने भी करो पर्याय की ओर अनंत काल से जो दृष्टि जाती है जाकर के आई है उसको छुड़ाना बहुत कठिन होता, क्षत्रियों का काम है ये, क्षत्रियों का काम। क्षत्रिय रणांगण में कूद पड़ता है, राज्य की सुरक्षा के लिए दृष्टि रहती है, भाई भी रणांगण में नीचे गिर जाता है, और छोटे भी गिर सकते हैं, बड़े भी गिर सकते हैं, पुत्र भी गिर सकता है, पिताजी का भी अवसान हो सकता है, और सामने सामने देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी वह अपने ध्रुव की ओर अचल रहता है, और तब कहीं जा करके उसे वह राज की सुरक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या क्या छूट रहा है, ये सब हमारे है ही नहीं, और जो मिले हैं वह बिछड़ेंगे, ये पहले से हमने श्रद्धान कर लिया, तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से दृढ़ता खोई नहीं जाते। फिर भी पूर्व संस्कार वशात आ जाता है, आ जाता है, लेकिन द्रव्य के स्वभाव की ओर दृष्टि जाने से नहीं आता, और कर्तव्य की निष्ठा होने से नहीं आता। महाराज जी की संलेखना हो रही थी, कई लोग परीक्षा करने में बैठे थे, ये मेरे ओर देखते क्या करते देखो तुमसे, अब चूंकि एक एक महीना तक रहना, लेकिन अब सब कुछ काम करते, कई लोग आ जाते आप थोड़े से विश्राम कर लो ये कर लो, ठीक है। अब अंत समय में तो कई लोग देख रहे थे क्या होता देखो तुमसे क्या होता, आप तो बिल्कुल जाने का हो गया, जाने का हो ठीक है हो रहा, नवो हंतारम नवो शिथारम नवो आयान नवो अच्छायाणम, यदि उसमें पर्याय बुद्धि हो जाए सामने वाले का क्या होगा,
तुम लोगों की वह दृश्य देख करके मान लो उनको देखने में आ गया और वो समेत गया तो क्या हो गया, तुम्हारा भी जीवन का पूरा का पूरा निकल गया और उन्होंने जो जीवन में किया था और आपके निमित्त को लेकर के यदि विकल्प हो गया, अब इन लोगों का क्या होगा? ऐसा हो गया तो ठह गया। घंटों से तपा रहे थे, पाक बन रहा था चाशनी, नहीं समझे? आधा मिनट या एक आधा सेकंड या दो तीन सेकंड मान लीजिए, जल्दी उठा दिया तो कच्ची हो जाती है, जब थोड़ी सी देर कर दिया तो पक्की हो गई है, तो चाशनी नहीं मानी जाती। फिर अब उसमें लाखों रुपए खर्च करके मान लीजिए लाडू बनाना था तो सब बह गया। इतना ही नहीं, मेहमान आने वाले आते हैं, वो कहेंगे कि भैया तो गए तो थे वहां, तो पाक ही बिगड़ गया था, बाकी सब ठीक था, सब मजा किरकिरा हो गया। उनको तो वैसे किरकिरे के लिए वो ये करते रहते हैं जीवन में। ये बहुत अंत क्रियाधिकरणम तपह फलम सकल दर्शन स्तुवती तस्मात यावत। जिस प्रकार सम्यक दर्शन की बात महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार सम्यक ज्ञान की बात महत्वपूर्ण है और ध्यान की बात महत्वपूर्ण है, उससे भी बढ़कर के ये कहते हैं वो कस्य न दो तिन्न भवगनानि जहन्येन सत्तट भवगनानि अदो साई अत्ता पच्चा निगंता हो निश्चन्ते उच्चन्ते मुच्चन्ते परिनिवानम्यन्ते सब दुखाना मंथन करेंगे। ऐसे कहते हैं कि एक बार संलेखना अच्छी जगह बन जाती है, तो ये साक्षात यदि समाधि हो जाती है तो उसी समय पर उन्हें केवल ज्ञान देना ही पड़ता, ऐसा इसका महत्व है। दुनिया में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन यह समाधि की कला बड़ी महत्व। जब पूर्ण हो गया, सामने वाले कई व्यक्ति आए थे, अब हो गया तो ठीक है, अब तो हमारे क्या है, कुछ नहीं। अंत जब वह उठाना विमान उठाने लगे, उस समय भी देखते हैं क्या करते हैं, देखो महाराज क्या करते हैं, हमें क्या करना है, क्या होता है। देखो ये तो बात है, क्या अंदर और क्या बाहर है समझ में नहीं आता। वह ये कह सकते हैं कि आप लोगों को जैसे देख करके उनके मन में विकल्प हो सकता है। हाँ, रोने वाले व्यक्ति, चिल्लाने वाले व्यक्ति, या बहुत आताप, बहुत शोक, बहुत संताप करने के उस निमित्त को लेकर के दृढ़ता वाले भी एक प्रकार से हो जाते हैं, लेकिन वह एक दृश्य ऐसा रहता है कि संलेखना उनके एक एक सेकंड में कहीं बिगड़ना चाहे, यह जब दृष्टि रहती है उस समय पर्याय दृष्टि बन ही नहीं सकती, बड़ी जिम्मेदारी रहती है, भव की पूरी पूरी कुंजी रहती है, उस समय किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। पहले कह रखा कोई ऐसे रोने वाले धोने वाले हो तो उनको पहले निकाल दो बाहर, बस वहां पर आ भी जा, देखने में तुम भगा देंगे महाराज, ये कर्म बंद हो जाए, कर्म बंद नहीं होता, इस पर कर्म कटेंगे, यानी व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, अवश्य कोई भी नहीं आ सकता, हाँ ठीक है कोई भी नहीं आएगा, बिल्कुल चार मुनि महाराज ऐसे पहलवान जैसे रखे जाते, उनको यही रखा है, ये देखो सबको हटा दो, बस ठीक है कोई नहीं आ सकता है, निश्चित बात है, बिल्कुल नहीं, सागर नहीं, सागर कहते हो, सुर सागर, बस ये बिल्कुल वहां पर कोई चौकट में छाक नहीं सकता, फिर ठीक है हम सामाय के, सामाय तुम्हारी यही है, प्रतिक्रम तुम्हारा यही है, ये निश्चित बात है। ऐसे चाचा सब जगह रखे रहते हैं, अंदर जो है उनको कोमल कोमल शब्दों के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से कुछ अमृत अमृत पान कराने वाले होते हैं, तुम्हारे जैसे तेज बोलने वाले नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसी आवाज होनी चाहिए कि बिल्कुल
स्थानों के लिए ध्यान से लगे। यहां पर तुम भक्ति पढ़ते तो वहां पर आ जाती आवाज, ऐसा नहीं यार, वहां पर नहीं जाते हैं। बहुत शांति, बहुत शांति। और इसके उपरांत भी यह बीती रहती है कहीं इनको प्रतिकूल न हो जाए, हाँ इनके समाधि में कोई बाधा न उपस्थित हो, इस प्रकार की सावधानी रखी। ऐसा यह समाधि है, ऐसे अध्यात्म का परिणाम है। ज्ञानमय परमात्मन सकाशात अन्यत पर द्रव्यम मुक्त्वा स्वशुद्धात्मान भावयति, कि ज्ञानमय जो शुद्धात्मा परमात्मा है उससे अन्य जो कोई भी परद्रव्य है उनको पहले छोड़ दीजिए, शुद्धात्मा का ही मात्र भाव रखिए। अपमिलवे नानमो अनुपराय उभाव, सोचंडे विनु जीव तुहु भावय अपसह। आत्मा को छोड़कर जो ज्ञानमय है परमय जो कुछ भी है उन सब को छोड़ दो और केवल अपने आत्मा के स्वभाव को ही अपने चित्त में लाओ, ये कहा जाता है। जीवित मरणाशम से मित्रान राग सुकान बंद निदान आने, बाकी सब प्रथम के दोष गुण ये सब जानते हैं, लेकिन सल्लिकनाव्रत क्योंकि पहले से ही जीवन की इच्छा नहीं रखे, मित्रों के प्रति अनुराग न रखे और मरण से इच्छा रखे या मरण से डरे, इस प्रकार के यदि भाव रखेंगे तो सल्लेखना में बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि उपादान ही खराब है तो निमित्त कितने 48 क्या 4800 भी हो जाए तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ थोड़ी भी मान लो सहनशीलता नहीं तो वहां पर तो ऐसे है कि बिल्कुल घाव बनेंगे, बेड सूल या क्या बोलते हैं आप, बैठा नहीं जा सकता, लेटा नहीं जा सकता, करवट लिया नहीं जा सकता, सब छिल जाएंगे। मुलायम मुलायम आसन पर बैठोगे तो उस समय आसन ही चुभेगा, अपनी ही हड्डी चुभेंगे। इसलिए कष्ट सहिष्णु, आसन सहिष्णु, बैठने की हिम्मत ज्यादा रखे ये अच्छा, और बैठने के उपरांत लेटने की भी आदत होना चाहिए। बैठे बैठे रहे फिर बाद में बैठा नहीं गया तो फिर लेटा ही नहीं जाएगा, क्योंकि लेटा ही नहीं ठीक हो। आसन ठीक होना चाहिए, आसन सिद्ध होना चाहिए। इतनी कठिनाई होती है, कहने की तक क्षमता नहीं रहती, मुख नहीं है, बोला नहीं जा सकता और करवट लेना है स्वयं ले नहीं सकता, इतनी बड़ी वेदना होगी उसको कोई है बेचैन क्या हो, तो हिलना चाहे लेकिन हिल नहीं रहा, बोलना चाहे बोला नहीं जा रहा और सहा नहीं जा रहा, तो फिर क्या करेगा वो उस समय संकेत भाई संकेत पूछा है भाई तो क्या संकेत हो, संकेत वगैरह जितने भी हैं हम समझ लें तब की बात है, संकेत पहले समझा दें कर दें तब की बात है, तो वो माने नहीं तो क्या करें। हाँ हाँ उनको विस्मरण हो गया, मन में नहीं आ रहा या सुनने में नहीं आ रहा तो क्या जाओ, कुछ नहीं अब यूं भी हिला नहीं सकते, बड़ी विचित्रता है। उस समय जदुआ विजदुआ काम आता है, बिल्कुल खिल जाता है, लाल लाल भीतर से दिखने लग जाएगा, सफेद सफेद भीतर से दिखने लग जाए। अब क्या क्या लगाओगे वहां पर, मरम लाओ कहां चलाओ, लगाएंगे तो एक मिनट भी नहीं लगेगा और पुनः उठ जाएगी है, बस ही कुछ नहीं बड़ी। इन सब बातों को दृष्टि में रख करके जीवन की मरण की और मित्रों के अनुराग की बातें सब छोड़ देना चाहिए, केवल संलेखना के बारे में हमेशा हमेशा चिंतनरत रहना चाहिए। कभी बिल्कुल
जब व्रत लेते हैं उसी समय पश्चिम संलिग्ना मरणम, तेरवा कौन सा व्रत है? तेरा व्रत तो वही है तुम्हारा, बाकी सब बारह जो है ना उसी के पीछे है, बारह बच जाएंगे हैं? बिल्कुल पश्चिम संलिग्ना मरण उसमें पांच है तो सब वहीं पर आ जाता है। नहीं तो कट्टरता है, इतनी साधना है जीवन स्तर, वहां पर बोर्ड की परीक्षा आ गई, बोर्ड की ओर देखने लगे, कुछ लिखा हुआ मिलेगा? बोर्ड की परीक्षा में बोर्ड के ओर लिखा हुआ है थोड़ी रहता है, हम जी देखना धन्य है। आत्मान मुक्वा किम विशिष्टम, ज्ञानमय, ज्ञानमय आत्मा को छोड़ करके केवल ज्ञान अंतर्भूत अनंत गुण राशि नित्यात अन्यो भिन्न अभ्यंतरे, केवल ज्ञान के साथ अन्य जो कोई भी अनंत गुण है उस राशि को निश्चयने की अपेक्षा से छोड़ करके भीतर बाहर और कोई भी है, मिथ्या रागादि बहिर्विषय देहादि प्रभाव, मिथ्या रागादि जो है ये भीतर की अपेक्षा से भीतर है, ये कोई कोई वैसे एक भाव या वैभाविक भाव, बाहर विषय में देह है, पुत्र है, गलत है, मित्र है, वो और पेन है, किताब है, अचार है, बस्ता है, या बस्ता तो बिल्कुल बाहर ही बस जाता है, कुछ नहीं वो बाहर ही रहेगा, जो आपने सुरक्षित रखा था बता बाहर के रहे वो, और क्या मिलेगा? कुछ नहीं, आत्मा के अलावा है, खाली आए खाली चली जाए, तुम्हारे वस्ता के लिए क्या होता है? अंतर्गत मान के ले जाएगा तो निदान हो जाएगा, ये तो ज्ञान है, वो वस्ता नहीं है, मैं क्या है उसके प्रति यदि ले जाना चाहेंगे तो तुम ज्ञान ले जा नहीं सको, हाँ मतलब करेंगे, ये कह दो, ये कह दो हमारे पास कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार के भाव रखने वाला ही अंत में रत्नत्रय के संस्कार ले जा सकता है सर्वांतर, अन्यथा उसका यहीं पर रह जाएगा, उसके बदले में और विभिन्न कर्मों का बंधन होगा, कोई हमारा नहीं, हाँ बिल्कुल कोई साथ जो साथ ले जाने योग्य है उसी की भावना हमेशा बनानी चाहिए, बस रत्नत्रय को छोड़कर क्या और कुछ छंडे तम पूर्वोक्तम शुद्धात्मने विलक्षणम परभावम छंडेत्वा त्यक्त्वा हि जीवतम भावय, पूर्व में जो कहे हुए विलक्षण भाव जो शुद्धात्मा से परभाव है उनको छोड़ करके तुम अपनी भावना भाव स्वशुद्धात्म स्वभाव किम विशेषम तम, केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय व्यक्ति रूप कार्य समय सार साधक, केवल ज्ञानादि जो सात अनंत चतुष्टय हैं उनके व्यक्ति रूप जो कार्य समय सार है उसका जो साधक कौन है? अवेद रत्नत्रयात्मकम कारण समय सार परिणतम इति, वाह केवल अवेद रत्नत्रयात्मक जो कारण समय सार है उसको छोड़ करके बाकी कुछ भी आप मन में मत ना आइए, क्या आपको चाहिए? क्या चाहिए हमें? तो केवल ज्ञान को पैदा करने वाला अभी रत्नत्रय है, अब कुछ एक आध दिन में वो भी छूट जाएगा क्योंकि असही मानने वाला है, इसलिए यही एकमात्र केवल ज्ञान का उपादान कारण है कारण समय सार, ये चार गतियों में कहीं भी नहीं मिल सकता, यह एक महान दुर्लभ वस्तु है, ये इसको छोड़ करके मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ हो तो बताओ, आप जाने को तैयारी हो गए, आपके मन में कोई इच्छा हो तो बताओ, हमें कोई इच्छा नहीं है तो मत 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 पूछो, बस इतनी इच्छा है हमारे पास, मत आया करो, हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है तुम लोगों के बारे में, तुम क्या दोगे हमें? तो अभी रत्नत्रय है उसको छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए मुझे, अभी पूछते तुम्हारा जी बार बार मत पूछा करो, पर तो हम इसलिए पूछते हैं कि आप कहाँ क्या है ये देखना, बार बार भी पूछना नहीं चाहिए, निश्चित बात है अनुमोकर मंत्र की झड़ी लगा दो सब है अपने पास, बैठ जाओ सीख रहे हो अभी,
फेर जाओ बहुत वह दृष्टि ही अपने आप में अलौकिक है। वृद्ध को ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा ये फलवती होती भावना जो हमेशा हमेशा संलग्न कराने की भावना और कषायों को उपशमित करने की भावना रखता है उसकी निश्चित रूप से हो जाती है। संलग्न की भावना हमेशा बनी रहेगी, कषायों का उपशम भाव जिसके बने रहेंगे बहुत ही कम चांस है उसके लिए विपरीत कर्म का उदय हो जाए, नहीं तो निश्चित रूप से उसको औपशमिक भाव बने रहेंगे, प्रशम भाव उसके बने रहेंगे। क्यों? जैसे मान लो कि कोई जबरदस्ती से आपको पैर दबाता व्यावृत्ति करता है, आपके मन में नहीं है, नहीं समझे, और 5-6 दिन या 1-8 साल या 2-3 साल तक ऐसा ही करने लगे मान लो, ठीक है कोई बात नहीं, कोई नहीं आया मान लो 2-3-4 दिन तक, आपको दर्द नहीं होगा, उस समय पर आपको इच्छा नहीं होगी आज तो कोई आया ही नहीं पैर दबाने वाला, क्योंकि हम तो चाहते ही नहीं थे कभी, ये निश्चित बात है। हाँ यदि आप उस व्यावृत्ति के लिए चाहते हैं तो एक ही दिन नहीं आए तो दूसरे दिन आपका माथा ठनकने लग जाए, निश्चित बात। व्यावृत्ति हम चाह नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं, करने दीजिए आप क्या करें, तो अंत में वो चाहेगा नहीं, संलेखना का अर्थ पहले समझ लेना चाहिए, तैयारी का अर्थ ये है, संलेखना का अर्थ समीचीन लेखन होता है, सत लेखन समीचीन लेखन, तो काय की शरीर की और कषाय की, कषाय को कम करने की यदि भावना रखोगे तो निश्चित रूप से कषाय जीतोगे। प्रतिदिन ये सोच लेना चाहिए मुझे कोर क्रोध करना ही नहीं, आ जाए को बात नहीं, मैं भावना करता क्रोध नहीं करूंगा तो आप जीत जाएंगे, सामने वाले क्रोध दिलाने के लिए आ जाए तो भी आप भीतर रहिए, देखो हमारी परीक्षा आ गई, परीक्षा में तो अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है कितनी भी गालियों की झड़ी भी हो जाए हमें जीतना है, कैसे देख जीतने में क्या आनंद आता देखेंगे, एक दिन जीतने के उपरांत सफलता मिलती है तो बार बार भी झड़ियां आ जाए तो क्रोध नहीं करेगा, मान नहीं करेगा, यह अध्यात्म का प्रयोग माना जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, आत्मोपलब्धि। वाह प्रयोग करिए निश्चित रूप से आनंद आएगा। दुकान खोलते हैं और ग्राहक आते हैं और व्यापार होता है, फिर भी यदि आमदनी नहीं होती है तो व्यापार तो हो रहा लेकिन मुनाफा ज्यादा नहीं आ रहा, फिर मिलो या तो इसी प्रकार यह व्रत लिए साधना करे, फिर इसके उपरांत यदि क्रोध को मान को माया को लोभ को जीतने का यदि हम सफल प्रयास नहीं कर पाते भगवान ये तो कागज में निवृत्ति ही चरणम प्रतिपद्धति, साधु साधु चारित्र का अलंबन लेकर राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, यदि राग द्वेष की निवृत्ति नहीं हुआ तो क्या हुआ, साधना क्या हुआ, नहीं था लिखा है उसमें मूलाचार पढ़ लो, एक संक्षेप प्रत्याख्यान होता और एक बृहद प्रत्याख्यान होता, जो वैयावृत्ति नहीं करेगा संघ का निर्वाह नहीं हो सकेगा, एक बार जो वैयावृत्ति नहीं करेगा निश्चित रूप से उसकी समाधि नहीं हो पाएगी, क्योंकि समाधि के समय पर उसकी वैयावृत्ति की जाएगी, जिसने अपने जीवन में वैयावृत्ति की भावना नहीं की उसकी कैसे वैयावृत्ति हो सकेगी, उनके पास कोई भी नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा तो वह चला जाएगा ऊपर, निश्चित बात है विराधना होगी उसके रत्न से, ये लिखा है बिल्कुल स्पष्ट है, विनो मोक्षम मुक्तो मोक्षद्वारो, विनय मोक्ष का द्वार है, विनय के साथ वह वैयावृत्ति करता और वह संलेखना जो कराता है उसकी भी संलेखना करीब करीब निश्चित करीब करीब इसलिए करेगा आज्ञान न हो, निश्चित बात उसकी प्रशम भाव हमेशा बने रहे, जीवित तीर्थ माना जाता है,
ग्रंथों में लिखा, जिसने मान लीजिए कोई अच्छी सिद्ध क्षेत्र पहुंच रहा है, जाने को है रास्ते में और मान लीजिए किसी की संलिखना हो रही है तो छोड़ करके वहां पर चले जाए, क्योंकि वह क्षेत्र तो बाद में भी मिल जाएगा, वह क्षेत्र तो उसी स्थान पर वहीं पर बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो संलग्ना में है ये नहीं मिल पाएंगे। और अपने को भी अपने जीवन में संलग्न लेना है, इससे बढ़कर क्या और कौन सा साधन है। हमें जब परीक्षा करना है तो जो परीक्षा में पास हो रहा है उसको पास पूछो जाकर कौन से प्रश्न आते। हाँ दो सौ ऐसे कुछ देखा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि सिद्ध क्षेत्र जो अपने तीर्थंकरों के स्थान है उन स्थानों में जाने के लिए तो बाद में भी वो मिल सकता, नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, ये तो जीवित तीर्थ है चलता करता, ये तीर्थ तो बोलता है और अपने जीवन में भी वह योग आने वाला है, इसलिए पूरे प्रयास कर लेना चाहिए। बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, जो दूसरी इसलिए नहीं कराते हैं कि वो वयावृत्ति ठीक ठीक नहीं हो पाते। अब ये बात अलग है, कोई ऐसे संदेह है उनका भी इसी प्रकार का हो गया तो बात है, दोनों को निकालते हैं। ये अपने वहां पर नसीराबाद में थे महाराज जी, संलेखना की ओर थे, एक महीने के उपरांत महाराज जी की संलेखना होने, अब वो जो बिल्कुल अन्न तो छोड़ दिया छह महीने पहले से ही, अब केवल दूध भी छोड़ के थोड़े रस रह गया है, ऐसी स्थिति थी उस समय। जो है पहले आए थे एक पार्थ सागर जी, पार्थ सागर हाँ दक्षिण के थे, समय शिखर जी की ओर से आ रहे थे और वो आए, हम भी संलेखना देख लें कम से कम। एक आहार एक उपास, एक आहार एक उपास करते थे वो, चार सिद्ध विधान नियम लिया था, 1234 का चल रहा था उनका, और वो ये ज्येष्ठ का महीना महावीर जयंती के उपरांत अक्षय तृतीया के उपरांत, और उनको कुछ पेट में दर्द शिकायत हो गई, आहार से आए हैं आते ही दर्द प्रारंभ हो गया पेट, और पेट फूलना प्रारंभ हो गया, कई प्रकार इलाज कर लिए नहीं, सामायिक बैठ गए, सामायिक बैठते समय भी उनको बहुत वेदना थी, सामायिक कर रहे थे, आधा सामायिक करके ही हम लोग उठ गए, ये बेसन वगैरह ये लगाना वो लगाना कुछ नहीं हुआ, और वह 18 घंटे तक लगातार उस वेदना को सहन किए और सुबह सुबह उनकी ये स्थिति है। तो ये बात अलग होती है, अचानक हो गई तो एक साथ संलग्ना नहीं होती, वो योग क्या। तो ये है कि बड़ी विचित्रता है, थोड़े भी माता खाने के लिए लग जाए नमोकार मंत्र मुख से नहीं निकलता, इसलिए वैयावृत्ति आपस में परस्पर उपक्रो जीवानाम कराया करो। हाँ हम देख लेंगे, क्या देख लेंगे, क्या देख लेंगे, मौत को, तुम्हें तो मौत देख लेंगे, तो मौत को तुम नहीं देख सकोगे, जान सकता वही मौत को देख सकता है जो अपने अच्छे ढंग से वैयावृत्ति करने वाला होता है, साहसी होता है, वो कर सकता नहीं है। अचेत अवस्था की भी अपनी अपनी विधाएं हैं, करने योग्य करते हैं ताकि उसके क्या करें, बाहर से भीतर से क्या करें कैसे करें, भावनाओं के माध्यम से किया जाता है बल्कि कोशिश, शुद्ध स्वरूपम किमिष्यतम केवल कहना चाहता निश्चयेन अश्च कर्म सर्वदोष रहितं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहितं आत्मानं जानीहि। निश्चयेन के अपेक्षा से आठ कर्मों से सब दोषों से रहित सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र सहित अपने आत्मा होता है, इसी का भाव हमेशा खाते रहना चाहिए। अटकम बाहिर से बिल्कुल बाहर
पहले दोष च सभी दोषों से रहित दूर। दर्शन ज्ञान चारित्रमय है, वही तो आत्मा हमारे लिए माने योग्य है, यही एकमात्र आप लोगों से निरूप है, निरूपति है। भावो अष्टकर्मख्य बाह्यं, आप बहिरात्मा होना चाहते हैं क्या, अंतरात्मा क्या, परमात्मा है, बहिरात्मा परमात्मा, परमात्मा मत हो, बहिरात्मा हो। हम कह रहे हैं सुनो, आठ कर्मों से बाहर निकल जाओ तो बहिरात्मा हो गया। हमें बहिरात्मा अभी तो बहिरात्मा नहीं, बहिरात्मा है, बहरा सुनते ही किसी की बात ऊंची सुना देते, लेकिन बहरा को तो कुछ भी सुना नहीं देते, दुनिया की बात सुनो ही नहीं, बहरे हो जाओ, अपनी भीतर की बात सुन लो, सुननी सबकी, करनी मन की है। हाँ सही बात नहीं, यही बात है, दो बात है ही नहीं, यही बात, जब तक दूसरे की सुनोगे और उसी को अनुसार करोगे, निश्चित रूप से तुम अपने हित नहीं कर सकोगे। सुनने सबके अच्छे ढंग से दोनों का नहीं सुनाओ भाई, अच्छे सुनाओ, अच्छी बात है, हम सुना है? नहीं सुनेंगे तो फिर वो और ज्यादा विकल्प करेंगे, इसलिए सुनाओ ठीक है। हाँ क्या बात सुन, कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं सुनेंगे तो कहां जाएंगे, तो वहां पर और सुने आएंगे लोग, इसलिए हमेशा याद रखो, जो सुनाना चाहते हैं अच्छी बात सुनाओ, बहुत अच्छी बात है, जिन्हें आपके सुनाने के माध्यम से यदि हमारी क्षमता बनी रहेगी तो कर्म निर्जर हो गया और आपकी भी बात अच्छी बनी रहेगी। देखो महाराज ने सुन ली बात, नहीं समझे, अच्छे ढंग से सुन लो, फिर इसके उपरांत सुनना, सुननी सबकी, करनी, इसको अपनी बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। आद इदम का दव्यम, कुंकुन महाराज ने कहा देखो बाण स्वार्थी बनो, अपने आत्मा के हित जिसमें है उस बात को करना चाहिए, जिसमें राग न हो, जिसमें द्वेष न हो, जिसमें संक्लेश न हो, जिसमें किसी प्रकार का प्रभाव कितना हो सके उस प्रकार का अपने अध्यात्म को सुरक्षित रखना चाहिए। जम किंचे में क्या बोलते हैं, आद हितम का दब्बम, जम सक हितम पर हितम का दब्बम, आद हित पर हितादो आद हितम तुट का दब्बम, पंच कोशिश पर कभी हित कर लो, एक पंच दो काज वाली बात, लेकिन अपने हित को छोड़ करके दूसरे के हित मत करो, क्योंकि उसमें हित होगा ही बहुत कठिन होता। और वस्तुतः परहित और आत्महित में कौन सा अच्छे ढंग से कर लेना चाहिए, तो आदिदम सुट्टु का दम। जब कुंद कुंद देवी कहते हैं तो बात बहुत रहस्यपूर्ण है, हित की बात तो हित ही, उसके बिना नहीं किस उठेगा, बहुत पहले हो जाएगा है? समस्तम वा में अस्तम वा, पहली कह दिया कि सोलह कारण भावनाएं अथवा एक भी भावना व्यक्त भी कर सकता है, अपने चारित्र को निर्दोष रखेगा उसको क्या सोलह कारण भावना में, तो क्या वो तो हो ही गया, बंधु तो हो ही गया, अरहत भक्ति करो, चित्र भक्ति करो, आचार्य भक्ति करो, ऐसा यह नियोग कभी नहीं टलेगा। क्या बोलते हैं आप लोग, विश्वास है नियोग नहीं टलेगा, बोलते तो आप ही दिखा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा, नहीं विश्वास है, आचार्य भक्ति में लिखिए, ये बात है, आचार्य की भक्ति करने से नहीं, आचार्य को विनय से उर्मे बिठा लूं, पूज पाद रज को सिर पे चढ़ा दो, फलतः मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा, सोलह का भावना में है ये,
आचार्य विश्वास है, ये नियोग नहीं डलेगा, निश्चित बात है, निश्चित है, विश्वास है, ये टल ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, क्या बात, पहले क्या मतलब है, भक्ति करेगा तो कर जाएगा, क्या बात, हाँ इससे कोई मतलब नहीं, कर्म कटेंगे तो चल जाएगा, बहुत ही अच्छा है, अच्छी बात, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, किसी को बच्चों के डर, तुम बचो भागो, आगे जाओ आगे जाओ, हम आ रहे हैं, किसी से धीरे धीरे आते हैं, तुम भाग जाओ, भाग भाग जाते हैं बच्चे, किसी को नहीं, बिल्कुल, तो चलने वाले हैं तो साथ चल जाते, कुछ ऐसे भी हो जाते हैं पीछे रह जाते, तो आ जाइए थोड़े बाद हम चले जा रहे हैं, आवाज तो दे अष्टकर्म से बाहर शुद्ध निश्चय नहीं ज्ञानावरणादि अष्टकर्म से भिन्नम मिथ्यातुरागादि भाव कर्म रूप सर्व दोष ही त्यक्तम, मिथ्यात्व है, राग है, द्वेष है, भाव कर्मों से सब दोषों से रहित दूर, ऐसे आठ कर्मों से मुख भिन्न, पुनश्च किम विशिष्टम दमसन नान चरित्रमो दर्शन ज्ञान चारित्रमय शुद्धोपयोग अधिनाभूत स्वशुद्धात्म सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र निवृत्तम तम इतम भूतम आत्मान भाव, शुद्धोपयोग के साथ अविनाभूत जो चारित्र है या दर्शन है, दर्शन ज्ञान चारित्र जो कि शुद्धोपयोग के साथ अविना भाव को रखने वाले होते हैं, उससे जो निवृत्त है बना हुआ उस प्रकार के आत्म तत्व को तुम हमेशा हमेशा देखो, दृष्ट श्रुत अनुभूत भोग आकांक्षा रूप निदान बंधादि समस्त विभाव परिणामान तक्त्वा भाव दर्शन, देखा हुआ सुना हुआ भोगा हुआ भोग आकांक्षा रूप इत्यादि निदान बंधादि रहित विभाव परिणामों को छोड़ करके भावना करो, करते तो हैं हम भावना, कोई देखा देखी करते हैं, सुना करके करते हैं, या छातीदा पूजा के वशूत होकर करते हैं, नहीं इन सब बातों को बंद कर जाओ, छोड़ दो, केवल आत्म तत्व की निवृत्ति उपलब्धि के लिए, हाँ यह मेरा कर्तव्य, अनंत काल से इन सब भावों को कर लिया, अब तो ऐसा भाव करना जो केवल ज्ञान के लिए कार्य, निश्चित निरुक्त हो इस प्रकार निश्चित है, निर्वाण सुखा उपाधेय भूता अभिन्न, निर्वाण सुख जो कि उपाधेय भूत है उससे अभिन्न, समस्त भाव धर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म से भिन्न, सभी प्रकार के भाव कर्म द्रव्य कर्मों से भिन्न भूत जो शुद्धात्मा सैव अभेद रत्न त्रय परिणता नाम भव्या नाम उपाधेय, अभेद रत्न त्रय में परिणत जो भव्य है उनके लिए उपाधेय, एवं त्रिविधात्म प्रतिपादक कथम प्रथम महाधिकार मध्य पृथक पृथक स्वतंत्र भेद भावना स्थल नवकम गतम, इस प्रकार तीन प्रकार की आत्मा होती है, बहिरात्मा अंतरात्मा और प्रतिमा परमात्मा, इनके प्रतिपादन करने वाले जो प्रथम अधिकार हैं उनमें पृथक पृथक रूप से स्वतंत्र रूप से भेद भावना के स्थल की सूचना करने वाला यह नव सूत्रों का प्रकरण समाप्त हुआ। तदनंतरम निश्चय सम्यक दृष्टि मुख्यत्वेन स्वतंत्र सूत्र एकम कथय, निश्चय सम्यक दृष्टि की मुख्यता को लेकर के एक सूत्र का कथन और किया जा रहा है, बहुत अच्छा, आत्म आप मोनम तो जियो सम्मादे हवे सम्मायेत्थेवो जीवडवो लोकं मयि मुच्ये। आत्मना आत्मानं आत्मा आत्मने आत्मनि स्थित्वा आत्मनः जानाति पश्यति अनुभवती। अभी हम दूसरे की सहारा लेकर के
बोल रहे हैं, दूसरे के सहारा देकर के देख रहे हैं, दूसरे के भावों को लेकर के अपने आप को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी इतना आनंद आ रहा है। और जिस समय आत्मा को ही आधार बना करके हम परम समाधि में लीन होकर के कुछ द्रव्य संग्रह की कुछ प्रकरण एकाध प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए दो तीन चार गाथाएं तो ऐसी मारेकी की हैं, उसमें ऐसा लीन हो जाता पाठक साधक यदि साधना परक करता हो तो। तुम्हें ध्यान नहीं लगता तो कोई बात नहीं, पहले पंच परमेश्वर जी को जानना प्रारंभ करो, पंच परमेश्वर जी अपना ज्ञान का विषय बन जा, ये ध्यान रखिए। इधर उधर के पंचायत में न डूबो, पंच परमेश्वर जी पंच गुरु चरण शरणो, तो ये 35, 16, 56 चतुर्ग में गंत जप छाए परमेश्वासयानम अनंत गुरुदेश। पंच परमेश्वर के वाचक 35 आदि अक्षरों का जो सूत्र है उसको करो, यदि यह भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, ध्यान की जो रुचि है तो ऐसा मंत्र गुरु की कृपा से मिल सकता है और उसके ऊपर डट जाओ, किंतु पंच परमेश्वर को ही ध्यान में लाओ। फिर इसके उपरांत यदि आपकी निरीवृत्ति है कुछ भी आप चिंतन करो, जम किंचि चिंतन तो निरीवृत्ति हवे जदा साव लब्धूने एयतम तदावतम नित्यम था। कुछ भी चिंतन करो, शर्त यह है निरीवृत्ति रखो, चल जाएगा। तत्व है क्षेत्र में लड्डू, हाँ ठीक है लड्डू, लड्डू तो क्या है उद्गलित है, उद्गल परिणति नहीं है क्या, उसमें घी डला है घी भी तो पुद्गल है, मीठा डला वही तो पुद्गल है, इलाजी के अंदर है वो भी पुद्गल है, गोल गोल आकार ये भी पुद्गल है, क्योंकि मीठा है वो भी तो पुद्गल है और बंध गया वो भी पुद्गल है, क्योंकि भेद संगात भेद और संगात ये भी पुद्गल की परिणति है, नुक्तियां ये भी पुद्गल है, क्या पुद्गल है डब्बा रखा है वो भी पुद्गल का है, मुंह में चला जाएगा तो भी पुद्गल में पुद्गल चला जाएगा, यदि पानी भी आ जाएगा तो भी पुद्गल है। फिर दोष देखो, देखो दोष तो मूर्छा परिग्रह कहा आचार्य जी, निरीवृत्ति यदि है तो कोई बाधा नहीं। देखो जिनको कुछ भी नहीं आता, देखो उनके लिए कहा जा रहा, जिनको कुछ भी नहीं आता शास्त्राध्याय करते ही नहीं कोई भाव नहीं, लेकिन इच्छा यदि कुछ भी नहीं है राग द्वेष नहीं है तो कोई पदार्थ आप ले सकते हो, लेकिन बात यह है कि उसके प्रति राग द्वेष नहीं होना। इस प्रकार की भावना करते 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 एकत्व की अभिव्यक्ति हो सकती है, यही चिंतन करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन द्रव्य को लेकर के पर्याय को लेकर के गुण को लेकर के आप चिंतन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन निरीवृत्ति होना अनिवार्य है, आप चिंता तुभी हम विमोख मके छाने पाऊन जम मुनि नेमा तम्मा पयत चित्तम जूयम धानम समम। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान के काल में मुनि महाराज प्राप्त करते हैं नियम से, इसलिए तुम यदि मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना चाहते हो तो ध्यान में अभ्यास ध्यान का अभ्यास हमेशा किया। फिर इसके उपरांत ध्यान लगाने से पहले और क्या करना चाहिए, तो कहते हैं मा मुच्च मा रज मा दुस्सह इत नेट अतु फिर जयचित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्ध। विचित्र ध्यान की प्रसिद्धि के लिए मन की एकाग्रता के लिए अविष्ट है तुमको बंधु, क्या करो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह राग द्वेष मत करो, वाह राग द्वेष मोह नहीं करना, इष्ट पदार्थ मिलेंगे अनिष्ट पदार्थ मिलेंगे, राग द्वेष मोह नहीं करना, निश्चित रूप से आपको ध्यान। फिर इसके उपरांत मां चित्त
मां चिंता मां जा।